हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर नंबर एक में हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। इसमें यूनिट वन का पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो था, यूनिट वन का नाम था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें पहला टॉपिक था, उस पर हमने डेफिनेशन देखी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखे और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में स्टडी की। जो 1.1 का रिमेनिंग पोर्शन है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें तीन तरह के प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सिस्टम बताए गए हैं, जॉब, बैच और मास प्रोडक्शन। तो आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में देखा कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य या ये जो ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना। इसके लिए किसी भी संस्थान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूज़ करते हुए प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है। F.W. टेलर थे, वो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थे। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण में हमने देखा कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल। प्रोडक्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन होता है, उसमें रिसोर्सेज जो थे इनपुट थे उसमें देखा हमने मैन पावर यानी कि मैन पावर, मनी, मशीनरी, मटेरियल, एनर्जी, ये सब इनपुट्स थे। फिर प्रोडक्टिविटी आउटपुट बाय इनपुट एनालॉगस टू एफिशिएंसी। प्लानिंग देखा प्लानिंग क्या होती है, कंट्रोल के बारे में देखा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के तीनों कंपोनेंट प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में देखा। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल देखे, इसमें तीन फेज थी, प्लानिंग फेज थी, एक्शन फेज और कंट्रोल फेज। प्लानिंग फेज में क्या था, प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। फिर प्रायर प्लानिंग में तीन फर्दर फंक्शंस थे, फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान करना, ऑर्डर राइटिंग ऑर्डर लिखना और प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। फिर एक्टिव प्लानिंग में प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग था, कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है उसकी प्लानिंग करना, कौन सा पथ होगा कौन सा रूट होगा उसको डिसाइड करना, पथ निर्धारण। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल करना थ्रू मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह को मेंटेन रखना। टूल कौन से यूज़ होंगे उनको कंट्रोल करना, टूल कंट्रोल। लोडिंग, भार निर्धारण, शेड्यूलिंग, ये सब थे प्लानिंग फेज के। फिर एक्शन फेज में हमने देखा डिस्पैचिंग होता है, इसमें काम अपना बाकी में एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है। फिर कंट्रोल फेज में प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और करेक्टिव एक्शंस थे। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा का यूज़ करके जो टारगेटेड हम चीज़ चाहते हैं उससे कंपेयर करते हैं, जो सेट स्टैंडर्ड्स है उससे प्रेजेंट प्रोडक्ट या प्रेजेंट जो भी प्रोसेस चल रहा है उसकी प्रोग्रेस को कंपेयर करते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एक्सपेडाइटिंग या फॉलोअप के द्वारा करेक्ट करते हैं, और अगर इसके थ्रू नहीं हो पाता है तो रीप्लानिंग करते हैं। तो ये फंक्शंस थे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के जो हमने देखे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देखा, तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंस हमने देखे। तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, लेबर फोर्स होती है उसको बेटर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ही होता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस थे। अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन तो हमने देख लिया, प्रोडक्शन का मतलब था कि हमारे पास अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए एक आउटपुट देना। आउटपुट में गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है या प्रोडक्शन जो सिस्टम है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन और दूसरा होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन होता है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत नहीं रहेगा, असतत रहेगा, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा, बीच बीच में प्रोसेस रुकेगा, तो वो होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। इसे फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक जॉब प्रोडक्शन या बैच, एंड दूसरा होता है बैच प्रोडक्शन। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी,
पर एक बार क्लासिफाई कर लेते हैं, और कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो था इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, या इसका फर्दर पार्ट है मास प्रोडक्शन। अब जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन, ये तीनों बेसिकली है क्या, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोडक्शन। जॉब और बैच प्रोडक्शन जो है वो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन का हिस्सा है, और मास प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोडक्शन का हिस्सा है। जॉब प्रोडक्शन जो है इसे जॉब शॉप प्रोडक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली जॉब का मतलब होता है कोई भी कंपोनेंट, जैसे आप लैथ मशीन पर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब बनाते हैं उस पर। तो जॉब प्रोडक्शन यानी कि ऐसे ही स्मॉल क्वांटिटी में जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसे जॉब प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अब इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो उनको समझने के लिए हम लोग आगे इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला है, फ्लो ऑफ मटेरियल एंड पार्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज इंटरमिटेंट और डिसकंटिन्यूस। चूंकि ये किसका पार्ट है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन का, तो इसमें मटेरियल का जो फ्लो होगा, मटेरियल कौन सा, जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट या जॉब बनाएंगे, तो मटेरियल का जो फ्लो होगा और जो पार्ट्स का फ्लो होगा वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कंटिन्यूस नहीं होगा, वो रुक रुक के होगा। यानी कि पहले एक मशीन पे जाएगा, फिर उसके बाद उससे दूसरी पे, फिर उससे तीसरी पे, इस तरह से प्रोडक्शन होगा। उसके बाद में मैकेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट इकोनॉमिकल। मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों का यूज करके ऑटोमाइजेशन टाइप, तो मैकेनाइजेशन होगा वो ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो ज़्यादा मैकेनाइजेशन की बजाय इसमें मैनुअल वर्किंग पे ज़्यादा होता है। और डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम के विभाजन की जब बात करते हैं तो वो भी इस केस में इकोनॉमिकल नहीं होता है। बेसिकली कर तो सकते हैं हम लोग मैकेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, बट वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनते हैं, तो जब कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनते हैं तो उस काम को करने के लिए भी ज़्यादा लोग आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकते तो काम का डिवीजन नहीं होगा, एक ही बंदा जो होगा वो ही उसी काम को बार बार करता रहेगा, तो ज़्यादा लेबर फोर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये छोटे लेवल पर प्रोडक्शन होता है। जॉब प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो एक वर्कशॉप के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो जॉब प्रोडक्शन माना जा सकता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ईच जॉब ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इन टर्म्स ऑफ टाइप, स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो जो जॉब प्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स या डिफरेंट डिफरेंट जॉब जो बनते हैं वो प्रीवियस जॉब से डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर आज आपने कोई कंपोनेंट बनाया तो हो सकता है कि कल आप कोई और दूसरा कंपोनेंट बनाओ जिसकी डिजाइन, जिसकी स्पेसिफिकेशंस, जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका टाइप सब कुछ पहले वाले से अलग हो। क्योंकि देखो छोटे लेवल पे काम होता है जॉब प्रोडक्शन, छोटे स्पेस में, स्पेस तो नहीं कह सकते, मतलब ये बेसिकली इसमें जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम होता है यानी कि जो मात्रा आप उत्पादित करेंगे वो बहुत कम होती है, तो बहुत कम होती है तो उसमें जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, जैसे जैसे आपको जो जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा उस हिसाब से आप मैन्युफैक्चर करोगे, तो मास में प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मास में प्रोडक्शन नहीं होगा और जो भी जॉब हर दिन बनेगा वो हो सकता है कि एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, काफ़ी अलग टाइप का हो, काफ़ी अलग क्वालिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस का हो, और क्वांटिटी भी हो सकता है डिफरेंट, हो सकता है कि एक दिन में आप एक ही जॉब प्रोड्यूस करें। तो जब आप अपने कॉलेज की वर्कशॉप से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आप इसके सारे फीचर आसानी से बता पाएंगे। अब इसमें यह कि हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नीडेड, क्योंकि देखो इसमें पर्टिकुलर आपको जॉब दिया जाएगा कि आज आपको इस स्पेसिफिकेशंस का बनाना है, और ज़्यादा मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, मैनुअल वर्किंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मशीनें यूज होगी बट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें मैनुअल प्लस मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे लैथ मशीन पर काम करते हैं तो आपको बेसिक प्रोसेस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोसेस की, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि लैथ मशीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप जॉब का निर्माण नहीं कर पाओगे। और प्लस हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नीडेड,
इसका मतलब यह है कि जब आप प्रोडक्ट को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ले जाओगे, जैसे देखिए कटिंग की आपने, पार्टिंग की, थ्रेडिंग की, ग्रूविंग की, स्लॉटिंग की, ये सारे प्रोसेस किए, उसके बाद में सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग वगैरह प्रोसेस किए, तो आपको हर प्रोसेस को बारीकी से करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का बारीक नॉलेज होना चाहिए। और हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आपका पूरा उस जॉब पे नियंत्रण भी होना चाहिए, तभी आप उसको सही तरीके से कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने मशीन में फीचर सेट कर दिए, आपने प्रोडक्ट को डाला और वो उसी टाइप का बन के आ गया, ये वाला केस यहाँ पर कंसिडर नहीं होता, ये मास प्रोडक्शन के फीचर हैं। तो जॉब प्रोडक्शन में हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिएगा। और फिर फर्दर इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट्स लाइक स्पेशल पर्पज इक्विपमेंट्स, ये सब जॉब प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें बहुत ही स्पेशल फीचर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, तो वो सब जॉब प्रोडक्ट में आएंगे। अगर हम लोग वापस से इसको शॉर्ट में देखें तो जॉब प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट और डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि मटेरियल और जो पार्ट्स हैं उनका फ्लो कंटिन्यूअस नहीं होता है। मैकेनाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिकल नहीं होता है, मोस्टली मैनुअल वर्क होता है इसमें, और स्किल्ड मैन पावर चाहिए इसको करने के लिए, जिसको नॉलेज होना चाहिए पहले से। हर एक जॉब ऑर्डर पहले वाले से डिफरेंट होता है, बी टाइप, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, किसी भी टर्म में आप बात करें। नंबर ऑफ आइटम्स जो मैन्युफैक्चर होंगे वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। कंट्रोल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, स्किल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए, और स्पेशल टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जॉब प्रोडक्शन के थ्रू मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो एक पूरे बैच में निकलेगा। जैसे आपका एक बैच है तो उसमें 7 से 10, 20, 30, 50 बच्चे होंगे, तो उसी तरह बैच प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट एक बैच में मैन्युफैक्चर होंगे। अब इसमें फर्दर फीचर्स क्या है वो हम देखते हैं। बैच प्रोडक्शन में फ्लो ऑफ मटेरियल इज इंटरमिटेंट, ये भी इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल इंटरमिटेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल, अब चूंकि इसमें बैच में प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर भी किया जा सकता है, यानी कि लेबर को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई आप ये देखो, आप ये काम देखो, तो ऐसे आप डिवीजन ऑफ लेबर भी कर सकते हैं। आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोक्योर्ड, जैसा आपको ऑर्डर मिलेगा उस हिसाब से वस्तुएं बैचेस में बनाई जाती है। अब बैच हो सकता है कि 10 का हो या 50 का हो, 100, 200, 1000, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं होगा, बट जो प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर होंगे वो बैचेस में होंगे। ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कैन बी डन, चूँकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा है तो अगर आप ऑटोमेशन की बात करते हैं या ज़्यादा मशीनों के यूज़ करने की बात करते हैं, मैकेनाइजेशन या मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इकोनॉमिक भी हो सकता है। जबकि जॉब प्रोडक्शन के केस में हमने बात की थी कि क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम होती है, तो ऑटोमेशन करने जाएंगे तो फिर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, और यहाँ पर चूँकि बैच में प्रोडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप बैच में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन भी यहाँ पर इकोनॉमिकल रहेगा। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि वही मटेरियल का कंट्रोल करना। अब एग्जांपल जैसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चर होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो बैचेस में होता है। पेंट्स जो बनते हैं वो भी बैचेस में बनते हैं। कपड़ों का जो निर्माण होता है वो बैचेस में होता है। शीट मेटल प्रेसेस में जो ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट, वो सारे एक बैच में होते हैं। फिर नेक्स्ट फर्दर आते हैं अपन मास प्रोडक्शन। तो जो मास प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है। उससे पहले जो हमने जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन देखे वो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं, और मास प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोडक्शन का पार्ट है। अब चूंकि मास प्रोडक्शन है तो मास प्रोडक्शन में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी का निर्माण होगा, यानी कि जो मात्रा यहाँ पर प्रोडक्ट की होगी, जो प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करेंगे वो बहुत ही बड़ी बल्क या बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन लार्ज स्केल एंड यूज ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड मशीन्स एंड प्रोसेसेस। चूंकि लार्ज स्केल में आइटम्स बन रहे हैं, तो
तो आप स्पेशलाइज मशीन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर इकोनॉमिकल रहेगा। बट जब जॉब और बैच वाली बात की, तो जॉब के केस में तो आप बिल्कुल भी ऑटोमेशन करोगे तो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। बैच के केस में कुछ हद तक आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, और मास के केस में आप ऑटोमेशन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पे बना रहे हो। सेकंड पॉइंट है, मशीनरी इज लेड एज पर द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन। जो मशीनरी, अब चूंकि इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो वो प्रोसेसेस एक सीक्वेंस में होती है, जैसे पहले प्रोसेस वन, फिर प्रोसेस टू, जैसे मैंने बताया आपको कटिंग, थ्रेडिंग, स्लॉटिंग, ग्रूविंग, सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग, तो ये सारे प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, तो उस सीक्वेंस में ही वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो इसलिए जिस मशीन पर वो प्रोसेसेस होंगे उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं, भाई जिस पर पहला प्रोसेस होगा उसको प्रोडक्ट के पास रखो, फिर उसके पास में नेक्स्ट मशीन अरेंज करो, फिर उसके पास में थर्ड मशीन अरेंज करो जिस पर थर्ड नंबर का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से आप मशीनरी को भी सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और वैसे रखी जाती है मशीनरी। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मिनिमम है। अब चूंकि आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, और बेसिकली हम जो क्लिपिंग्स देखते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग आप देखेंगे कि एक बेल्ट पर ही पूरा मटेरियल चला जा रहा है, एक इनपुट हुआ और वो सीधा प्रोडक्ट बनके ही बाहर आता है, मशीनों के थ्रू गुजरता हुआ डिफरेंट लेयर्स के थ्रू बाहर आता है, और ऑटोमेटिकली पैक भी हो जाता है वो प्रोडक्ट, जैसे बिस्किट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आप देखोगे। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है उसमें जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वो बहुत कम है, तो मटेरियल को जो हैंडल करना पड़ेगा इंसान को वो बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी यहाँ पर, हर चीज़ का मतलब है मोस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी ऑटोमेटिक, सो मटेरियल हैंडलिंग मिनिमम हो जाएगा। दिस इज प्रिफर्ड फॉर द प्रोडक्ट्स हैविंग कंटिन्यूअस एंड रेगुलर डिमांड। अब चूंकि लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये उन प्रोडक्ट्स के लिए प्रिफर किया जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और जिनकी कंटिन्यूअस डिमांड होती है। जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट आप रोज़ यूज़ करोगे तो ये रेगुलर डिमांड में रहेगा और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, कंटिन्यूस डिमांड है। जैसे साबुन है, सॉप है, तो ये सब कंटिन्यूस और रेगुलर डिमांड के, इनको बेसिकली फास्ट मूविंग गुड्स बोलते हैं। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए मास प्रोडक्शन प्रिफर करते हैं। अब चूंकि हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, तो इट ऑफर्स लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को जो प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम होती है, और वो इन तीनों में सबसे लोएस्ट इसमें ही आती है। और एग्जांपल इसमें स्क्रूज हैं, तो स्क्रूज का बहुत ही बल्क प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता है। टीवी सेट्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, तो ये सब मास प्रोडक्शन के थ्रू मैन्युफैक्चर करी जाती है। तो ये तीनों हमने देखे। अब इसमें इन तीनों, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन, इन तीनों में पर्टिकुलर रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप डायग्राम के थ्रू, तो वो देखते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है प्रोडक्ट की वैरायटी, यानी कि प्रोडक्ट में कितनी वैरायटी होगी, प्रोडक्ट सेम होगा या प्रोडक्ट वेरी करेगा, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। फिर वाई एक्सिस पे लिया है प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि सपोज पेन बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मीन्स आप एक पेन बना रहे हैं, दो पेन बना रहे हैं, या 5,000 पेन बना रहे हैं, 50,000, 5,00,000, 5 करोड़, कितने पेन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन का वॉल्यूम, प्रोडक्शन की मात्रा, वो हो जाएगा प्रोडक्शन वॉल्यूम। और एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट की वैरायटी, तो सबसे ऊपर जो है वो है मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा, पर प्रोडक्ट की जो वैरायटी होगी वो बहुत कम होगी। चूँकि ये मास में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सारी मशीनें होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम करती है, और वो सेम तरह का प्रोसेस ही बना सकती है। तो एक बार जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइप का 10,000, 50,000 प्रोडक्ट बनते ही जाएंगे। तो ये मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, पर प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत कम होगी। जॉब प्रोडक्शन जो कि सबसे लास्ट में दे रखा है, इसमें प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत कम हो सकता है कि आप एक ही यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट आपने बनाया, बट वो प्रोडक्ट जो आप बनाओगे वो पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन का होगा, यानी कि जो आपको स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा उसी स्पेसिफिकेशन का वह होगा। तो इसमें आपको स्किल्ड वर्क पावर की ज़रूरत होगी, और प्रोडक्ट की जो वैरायटी होगी, यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होगी, वो बहुत वेरी करेगी। हो सकता है कि आपने आज कुछ और बनाया, कल
कुछ और आप प्रोडक्ट बनाओ, तो वैरायटी आपकी ज़्यादा रहेगी और इसमें आप ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस पे काम करोगे। जैसा आपको ऑर्डर मिलेगा उस हिसाब से आप स्पेसिफिक टाइप के जॉब बनाओगे, तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम तो कम रहेगा बट वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होगी। और बैच प्रोडक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में आप या ट्रांजिशन जोन में मान सकते हैं, मास प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का वॉल्यूम मास प्रोडक्शन तो कम होगा बट जॉब प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट वैरायटी की बात करेंगे तो बैच प्रोडक्शन में वैरायटी मास प्रोडक्शन से तो ज़्यादा होगी बट जॉब प्रोडक्शन से प्रोडक्ट की वैरायटी कम होगी। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के भी काफ़ी अच्छे से तीनों टाइप की प्रोडक्शन सिस्टम का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने यूनिट 1 का 1.1 वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमने देखा वो टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम देखे, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट में जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन देखा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हमने देखा मास प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही स्मॉल स्केल पे जॉब्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी बट वैरायटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जो मैन पावर आपको काम करने के लिए चाहिएगी वो स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए और ऑटोमेशन की ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहेगी, ऑटोमेशन इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। जब बैच प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स आपके बैचेज में बनेंगे और इसमें आप कुछ हद तक ऑटोमेशन भी पॉसिबल है। जब मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर तो फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा बट प्रोडक्ट की जो वैरायटी होगी वो सेम ही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।